भाई साहब, ये वायरफ वाले कर क्या रहे हैं? आखिर ये फीमेल लीड वाली ये मूवी में इतने सारे एक्शन सीन्स पगला जाएंगे फैंस भाई साहब। जी हाँ, बताया जा रहा है, खबर मिल रही है कि वायरफ की जो आलिया भट्ट और बॉबी देओल की विलन बॉबी देओल की मूवी आने वाली है, उसमें साथ साथ एक्शन सीन्स शूट किए जाएंगे। और एक्शन सीन्स किस टाइप के होंगे सब बताऊंगा, और कौन कौन एक्शन सीन्स करेंगे सब बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहली न्यूज तो ए कि आदित्य चोपड़ा और मल्होत्रा की तरफ से न्यूज मिल रही है कि इस मूवी में साथ साथ बड़े एक्शन सीन्स शूट किए जाएंगे, और बकायदा इसके लिए आलिया भट्ट मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही है। और ये सात बड़े सीन्स शूट किए जाएंगे आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच में। ये सात में से चार या पांच एक्शन सीन्स ऐसे होंगे जो कि आलिया भट्ट और बॉबी देओल एक दूसरे के सामने भिड़ेंगे। आलिया भट्ट के साथ शर्वरी बाग भी हमें एक्शन करती दिखेंगी। बताया जा रहा था कि पहले शर्वरी बाग और आलिया भट्ट को ज्यादा अटेंडेंस दी जा रही थी, लेकिन जब से बॉबी देओल की एंट्री इस मूवी में हुई है, तब से बताया जा रहा है कि बॉबी देओल का रोल एक इम्पैक्टफुल रोल होने वाला है, और बॉबी देओल हमें अच्छे खासे एक्शन सीन्स शूट करते देखने को मिलने वाले हैं। वैसे भी आप वायरफ की मूवी उठा के देख लो तो वायरफ का विलन हीरो से तगड़ा होता है। पठान में हमने जॉन अब्राहम को देखा, इवन वार टू, अभी कई सारी मूवी में वायरफ की मूवी में हीरो से ज्यादा विलन तगड़ा दिखाया जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि बॉबी देओल हमें किस टाइप के इस मूवी में विलन रोल में देखने को मिलेंगे। में भी बॉबी देओल पर भी काफी खर्चा किया जाएगा। बात करें उसके बजट की, तो इस मूवी का बजट एक फीमेल लीड होने के बावजूद भी एक लीड एक्टर की तरह बहुत ही ज्यादा रखा गया है, स्पेशली एक्शन सीन्स शूट करने के लिए। बताया जा रहा है कि इसका VFX भी तगड़ा होगा। इवन इसके एक्शन सीन्स शूट करने के लिए हॉलीवुड से कुछ डायरेक्टरों को बुलाया गया है। तो आपको क्या लगता है, शर्वरी बाग, आलिया भट्ट और बॉबी देओल में से कौन इस मूवी में छा जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए आपके अपने चैनल पागल बॉलीवुड एक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों।